मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ, विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है भारतीय संविधान में भाग 5 पढ़ रहे थे ना, विधायिका पढ़ ली और कार्यपालिका पढ़ ली, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है चर्चा है भाग 5 में, लेकिन जो है आज हम लोग जो है भारत की एक न्यायपालिका जो एकीकृत न्यायपालिका है उसके बारे में आज थोड़ा सा उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका वास्तव में है क्या भारत की, और अमेरिका से किस तरीके से भिन्न है, और भारत में जो है न्याय व्यवस्था है वो प्राचीन समय से लेकर के कैसे विकसित हुई है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट पर आधारित होगी। ठीक, तो न्यायपालिका को भारत में जो है हमारे शासन की जो है एक तीसरी पिलर माना गया है, शासन का आधार स्तंभ तीसरा आधार स्तंभ है। पहला क्या था? विधायिका। पहला स्तंभ था विधायिका। ठीक, विधायिका का काम क्या था? विधि बनाना। विधायिका का काम क्या था? विधि बनाना। और दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका। दूसरा स्तंभ क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है क्या है? विधि को लागू करवाना। विधि को लागू करवाना, ये तो विधि बनाएगी और ये विधि को लागू करवाएगी। और तीसरा स्तंभ जो है वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका का कार्य क्या है? विधि का शासन स्थापित होना चाहिए। राष्ट्र में किसका शासन स्थापित होना चाहिए? विधि का। अर्थात जो विधि, जो कानून विधायिका ने बनाया था और उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू कराया था कार्यपालिका में, तो वो क्या सही तरीके से लागू हो रहा है, उसके अनुसार देश में शासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है विधि के अनुसार? अगर नहीं हो रहा है तो दंड का प्रावधान किया गया है इसके द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। तो न्यायपालिका विधि का शासन स्थापित होना चाहिए इस चीज को सुनिश्चित करती है। कौन? न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका को शासन का तीसरा स्तंभ कहा गया है, थर्ड स्तंभ। और चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। मीडिया भी कुछ ना कुछ जो है रोल अदा करती है कि जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए कामों में, तो वो न्याय, इसलिए उसको मीडिया को चौथा आधार स्तंभ कहा गया है शासन का। तो शासन के तीन आधार, देखो ये सब जब कहीं पर लिखने के लिए आएगा तो ये सारी चीजें तुमको मतलब टिक लगाने के प्रश्नों में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक जो है आपका दिमाग पावर जो है एनालिटिकल होना चाहिए, ये सब चीजें कहीं लिखना है तो वहां लिख करके डाल सकते हो। तो पहला आधार स्तंभ विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, और चौथे की बात करें तो चौथा क्या है? मीडिया है। ठीक, तो भारत में जो है इसके विकास की अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका किस तरीके से विकसित हुई? प्राचीन समय में न्यायपालिका कैसी थी? परंपराओं पर आधारित था न्याय कि नहीं था? परंपराएं ही जो है शासन होती थी, परंपराएं ही जो है न्याय व्यवस्था स्थापित होती है, और उसमें समानता नहीं होती थी। प्राचीन समय में जो न्याय होता था उसमें समानता नहीं होती थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो है शूद्रों के साथ जो है कुछ न्याय अलग तरीके का न्याय होता था, ब्राह्मण जो अपर वर्ग के लोग थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, उनके लिए अलग न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, जो टैक्स देते थे उनके लिए अलग न्याय व्यवस्था थी, जो किसान गरीब मजदूर थे उनके लिए अलग न्याय व्यवस्था थी। तो ये प्राचीन समय में जो है न्याय व्यवस्था इक्वल नहीं थी, विभेद था, इसमें भिन्नता थी। तो और ये परंपराओं पे आधारित था न्याय, जो है राजा अपने जो है पूर्वजों से सीख लेता था कि कैसे हमारे पूर्वज न्याय करते थे, फिर राजा आकर के उस तरीके से न्याय करता था, और राजा में ही प्रशासन और शासन और न्याय सब निश्चित होते थे। राजा ही जो है विधि बनाता था और राजा ही विधि को लागू करवाता था, राजा ही न्याय देता था। तो ये प्राचीन व्यवस्था कुछ इस तरीके से। अगर मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में जो है न्याय की व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ से आई? अरब कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से, ठीक, फारस से, ईरान से, वहाँ से लोग आते गए भारत में, और न्याय व्यवस्था में जो है
मिश्रण होने लगा। भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ जो प्राचीन न्याय व्यवस्था थी उसके साथ मिश्रण किसका हो गया? विदेशियों का। खास करके मध्यकाल में मुगल्स आए, उसके पहले जो है सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत का शासन था। तो इस समय जो है मिश्रण दिखाई देता है न्याय व्यवस्था में, प्राचीन समय का और मध्यकालीन। यानी जो व्यवस्था जो है फांसी की व्यवस्था या जैसे जो भी व्यवस्था अरब कंट्रीज में थी वो यहाँ पर आकर के दिखाई देती है झलक। ठीक है, तो मध्यकालीन व्यवस्था न्याय की अलग थी। अब इसमें भी जैसे जहांगीर है, जहांगीर न्याय व्यवस्था के लिए ही जाना गया है। जहांगीर को उसने जो है सोने की जंजीर जो है अपने उसमें क्या नाम है सामने लगवा रखी थी कि न्याय के लिए उसके यहाँ आकर के जंजीर को जो है बजा करके हिला करके और राजा से न्याय मांग सकता था 24 घंटे कभी भी। तो जहांगीर न्याय के लिए जाना गया। तो सब अलग अलग तरीके से न्याय के लिए जो है जाने जाते थे प्राचीन समय। अब हम बात करेंगे आधुनिक समय में। तो आधुनिक समय में न्याय व्यवस्था का जो विकास है भारत में वो हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखाई देता है। कहाँ से? 1773 का एक एक्ट आया था अंग्रेजों के समय, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने इतिहास से पढ़ाया भी है। रेगुलेटिंग एक्ट में दिखाई देता है, रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, 1773 में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था जिसको कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले भारत की न्याय व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। इसके तहत सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अब सुप्रीम कोर्ट, वहां पर नाम तो था सुप्रीम कोर्ट, नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट। और स्थापित कहाँ की गई थी? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में अगर पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई है, अगर कुछ ना पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट आधुनिक समय में कहाँ स्थापित हुई है, तो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ठीक है, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? उससे ऊपर कोई नहीं होगा। लेकिन ये सुप्रीम वास्तव में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। इसका नाम जरूर सुप्रीम कोर्ट था लेकिन सुप्रीम नहीं थी, क्योंकि यहाँ से अगर कोई मुकदमा हार गया है तो विपक्षी पार्टी इसके लिए फिर से जो है न्याय का दरवाज़ा, दूसरे न्याय का न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती थी। तो इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल होती थी। इंग्लैंड में क्या होती थी? प्रिवी काउंसिल। तो इसके खिलाफ जो है इस कोलकाता के न्याय कोर्ट न्यायालय के खिलाफ जो है प्रिवी काउंसिल में मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल। अब प्रिवी काउंसिल में भारतीय तो पहुंचेंगे नहीं, इंग्लैंड में था। तो अंग्रेजों ने चालाकी ये कि सुप्रीम कोर्ट तो स्थापित कर दिया कहाँ? कलकत्ता में, न्याय दिलाने के लिए। लेकिन भारतीयों को न्याय ना मिल सके, भारतीयों अगर भारतीय जीत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में, तो अंग्रेज अगर मान लो हार गया तो वो कहाँ ले जाएगा मुकदमे को? प्रिवी काउंसिल में, लंदन लेकर जाएगा। और लंदन में जाहिर सी बात है भारतीय व्यक्ति अगर पैसा नहीं है उसके पास तो लंदन जा नहीं पाएगा मुकदमा लड़ने के लिए, तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। तो प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में, यानी इलाहाबाद, वो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहाँ पर जो है मुकदमा किया जा सकता था? प्रिवी काउंसिल लंदन में। तो ये इस तरीके से विकास दिखाई देता है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में जो है व्यवस्था की गई थी एक संघीय न्यायालय की। किसकी? संघीय न्यायालय। तो सबसे पहले अगर भारतीय व्यवस्था में कहीं सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब जो वास्तव में जो सुप्रीम हो, जो जिसके खिलाफ कहीं मुकदमा नहीं किया जा सकता, तो कहाँ दिखाई देती है? 1935 के अधिनियम में। तो 1935 के अधिनियम में जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसमें संघीय न्यायालय की बात की गई थी। और इसी को आधार बना करके जनवरी 1950 में, कब? जनवरी 1950 में आज़ादी के बाद भारत में दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वो कब हुआ? तो जनवरी 1950 में स्थापित हुआ। और कौन से अधिनियम पे स्थापित हुआ? तो वहां प्रश्न दिया होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935। तो किस पे टिक लगाओगे? 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है न्यायालय भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? जनवरी 1950 में। और कहां इसका जो है मुख्यालय बनाया जाता है? दिल्ली में। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है जनवरी 1950 में। तो ये आधुनिक समय में सुप्रीम कोर्ट का विकास हुआ। अब देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से भिन्न है यूएसए के, थोड़ा सा यहाँ तुलना करेंगे, क्योंकि
तुलना के लिए, हालांकि जो है कहीं आपको प्रश्न उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन आपको जानना इसलिए जरूरी है कि हम अमेरिका से तुलना करके सीख जाएं, जान जाएं कि किस तरीके से अमेरिका में जो है न्यायालय की व्यवस्था है। देखो अमेरिका एक जो है क्या है, फेडरेशन है, मतलब यूनियन है, यूएसए कहते हैं ना, यूनाइटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी भारत में जो राज्य बने हैं वो कोई मजबूरी के राज्य नहीं बने हैं, पहले केंद्र बना फिर भारत में प्रशासन की दृष्टि से, क्योंकि बड़ा भारत था तो उसको प्रशासन की दृष्टि से कि भारत को प्रशासन तरीके से अच्छी तरीके से चलाया जा सके, इसलिए उसको राज्यों में बांट दिया गया। लेकिन अमेरिका में उल्टा था, अमेरिका में यहाँ पर जो है 50 देश मिलते हैं, 50 राज्य मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग जो है एक देश बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, देश बनाते हैं। तो 50 राज्य मिल करके उन्होंने क्या बनाया, एक देश बनाया, इसलिए कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शब्द आता ना स्टेट्स, स्टेट्स मतलब राज्य और यूनाइटेड मतलब संयुक्त हुए, इकट्ठा हुए, तो कौन इकट्ठा हुए, राज्य इकट्ठा हुए। तो 50 राज्य इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या बनाया, यूएसए की गठन किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वो जो 50 राज्य मिलकर के बनेंगे तो उन्होंने कुछ बिंदुओं पर कहा कि इस चीज को संचालित करने की, जैसे विदेशी मामले, जैसे रक्षा के मामले, कहा इनको हम किसे दे देते हैं, केंद्र को दे देते हैं, संघ को दे देते हैं, बाकी मामला हम लोग अपने अपने पास रखेंगे, हर स्टेट अपना अपना पास जो है हर मामला, बहुत सारे मामलों को रखेगा, जैसे कानून बनाना हुआ, और कानून बनाना हुआ इसी प्रकार से नागरिकता, अमेरिका में आपको हर राज्य की अलग अलग नागरिकता दिखाई देगी, हर राज्य की और संघ की अलग नागरिकता है और हर राज्य की अलग अलग नागरिकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे राज्य इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लग रहा है पटरी रख करके खींच दिया गया है बाउंड्री को, तो जो है हर राज्य की अलग अलग नागरिकता दिखाई को मिलेगी, झंडे अलग अलग राज्यों के अलग अलग होंगे, भारत में ऐसा तो नहीं, भारत में एक ही झंडा है तिरंगा झंडा, अमेरिका में ऐसा नहीं। तो जब अमेरिका में इस तरीके से समझौता करके राज्यों को गठित किया गया है तो वहां पर न्यायालय भी सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग, हर राज्य के अपने अपने क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और उनके खिलाफ जो है किसी मतलब इस संघ के न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया फिर उसके खिलाफ कहीं भी आप नहीं जा सकते हो, तो हर राज्य के अपने अपने क्या है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ मामले जो होते हैं, जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एक मतलब यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना कुछ मामलों में फैसला सुनाता है, तो इसलिए अमेरिका का यूएसए का एक सुप्रीम कोर्ट अलग हो गया और हर राज्यों के सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है, तो ये अमेरिका में व्यवस्था है। लेकिन भारत में व्यवस्था क्या है, भारत का सिर्फ एक ही न्याय सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक, और उसमें जो है बाकी के जो आप दिल्ली जो और राज्यों में हाई कोर्ट देखते हो वो जो है कोई अलग अस्तित्व नहीं है कि हाई कोर्ट जो है हर राज्य के अपने अपने हो गए, मनचाही मुकदमे मतलब सुनेंगे, उनके खिलाफ फैसला अगर किसी के खिलाफ आ गया तो हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है। भारत में अगर हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिला है, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय किया है हाई कोर्ट ने, तो उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट करेगा तो वो क्या होगा, अंतिम जजमेंट होगा, फिर उसके खिलाफ आप कहीं भी जो है नहीं जा सकते। हाँ ये बात अलग है कि पुनरीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए हो सकता है कोई ऐसा जजमेंट आ जाए और कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई करे, फिर से देखे क्या ये न्याय सही हुआ था, पहले जो बेंच ने किया था क्या वो न्याय सही हुआ था, तो ये हो सकता है कि उसकी जो है रिव्यू की जा सकती है उस फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था है। तो ये जो है अब ये परिपाटी जो चली आई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और गांव तक न्यायालय है, तो ये सब एक सीढ़ी में रखा गया है, तो इसको कहते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली। भारत में जो न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है, अलग अलग नहीं है कि हाई कोर्ट अलग हो गया, जिले के न्यायालय अलग हो गए, और तहसीलों के मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुंसिफ न्यायालय अलग हो गए, गांव के ग्राम न्यायालय अलग हो गए, पंच न्याय पंचायत अलग हो, ये सब अलग नहीं है, सब किसके हिस्से हैं, सब न्याय व्यवस्था के ही हिस्से हैं, सब एकीकृत हैं। तो भारत में जो न्याय व्यवस्था क्या है, एकीकृत। अगर आपको गांव से न्याय नहीं मिलता है, ग्राम न्यायालय से नहीं मिलता है, तो आप जा सकते हो मुंसिफ न्यायालय में, मुंसिफ न्यायालय से न्याय नहीं मिलता तो जिला सत्र न्यायालय में जा सकते हो, यहाँ से नहीं मिलता है न्याय तो हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है कैसी है, एकीकृत है, यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है, एकीकृत है। लेकिन अमेरिका की न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं है, अमेरिका की न्याय व्यवस्था कैसी है, हर राज्यों की अपनी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है और
जो है वो कुछ मामलों को लेकर के केंद्र को कहा है कि केंद्र का एक न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जो उन मामलों पे केंद्र क्या करेगा, फैसला सुनाएगा। तो ये न्याय व्यवस्था, अगर हम भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था को देखें तो ये शंकुआकार है, कुछ इस तरीके से आपको न्याय व्यवस्था देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक ही होगा, जो कि सर्वोच्च है, जो कि क्या है, सर्वोच्च है, इसीलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया, क्योंकि ये सर्वोच्च सबसे ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सिर्फ एक ही है। अब इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है अलग अलग समय में अलग अलग तरीके, मतलब उसमें गठन कह रहा हूं, जो उसमें इसकी संरचना है, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको सीजीआई कहते हैं, जो इसका मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का क्या कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय जो है कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, इस समय जो चीफ जस्टिस है भारत के वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। तो याद रखना ये करंट का मुद्दा है, इस समय भारत के 50वें सीजेआई किस नंबर के हैं, 50वें नंबर के, जब से ये गठन हुआ है 1950 से लेकर के तब से अब तक कितने न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बैठ चुके हैं, 50। तो 50वें नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है क्या है, मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, कितने, 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है उसमें कितने लोगों की व्यवस्था है, कितने लोग बैठते हैं, 34 लोग, मुख्य न्यायाधीश सहित कितने लोग बैठते हैं, 34 लोग। तो 34 लोगों, 34 न्यायाधीशों का एक क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसमें इस समय वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है। अब हर राज्य में लगभग एक क्या है, हाई कोर्ट है, हर राज्य में क्या है, लगभग एक हाई। हमारे यहाँ राज्य कितने हैं, 28, और मैंने यहाँ लिख रखा है 25, तो हाई कोर्ट कितने हैं, 25। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं, वो हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब वो कंबाइंड चलते हैं, तो इसलिए 28 के 28 राज्यों में सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं है। तो हाई कोर्ट लगभग सभी राज्यों में है, और इनके खिलाफ मुकदमा कहाँ सुनवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा राज्यों को जिलों में बांटा गया है, राज्यों को किसमें बांटा गया है, जिलों में। और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में, जिसको अब क्या कहा जाता है, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और सभी जिलों में क्या है, जिला और सत्र न्यायालय है, सभी जिलों में क्या है, जिला और सत्र न्यायालय है, ये ध्यान रखना, जिला और सत्र न्यायालय। आप जैसे आगरा जाओगे तो आपको MG रोड पे भगवान टाकिस से पहले क्या मिलेगा, वहां पर जिला और सत्र न्यायालय। अब ये जिला और सत्र दो नाम है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, दो नाम से मिलकर के बना है, जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा कहलाएगा जिला न्यायाधीश, क्या कहलाएगा, जिला न्यायाधीश। और ये देखेगा दीवानी का मामला, एक ही व्यक्ति होगा भाई दिवे, अगर एक ही व्यक्ति है, जब वो दीवानी के मामले को देखता है, दीवानी का मतलब सिविल के मामले को देखता है, तो क्या कहलाता है, जिला न्यायाधीश, क्या कहलाता है, जिला न्यायाधीश। और जब फौजदारी मुकदमे देखता है, खोपड़ी फूट गई, लाठी डंडे चल गए, तो इस टाइप के मुकदमे कहाँ लिखे जाते हैं, सत्र न्यायालय में। तो सत्र न्यायालय जब देख रहा होगा वही न्यायाधीश या अलग कोई, तो वो कहलाएगा सत्र न्यायाधीश, क्या कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश। तो फौजदारी मुकदमे कौन देखता है, सत्र न्यायाधीश देखता है। जिला न्यायाधीश क्या देखता है, दीवानी मामले, प्रश्न यहां से आते हैं, दीवानी मामले कौन देखता है, जिला न्यायाधीश देखता है, और फौजदारी मामले कौन देखता है, सत्र न्यायालय। तो ये दोनों मिला हर जिले में होंगे, भारत में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो सभी जिलों में क्या है, जिला और सत्र न्यायालय है। ठीक, फिर इसके बाद में हर जिलों को जो है तहसील परगनों वगैरह में बांटा गया है, तो ये हर जिले में कई होंगे मुंसिफ न्यायालय, हर जिलों में कई न्यायालय होंगे मुंसिफ, कौन से न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। अब यहाँ भी दीवानी और जो है फौजदारी के मुकदमे सुने जाते हैं, यहाँ भी कहाँ पे, मुंसिफ न्यायालय में। यहाँ पर जो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट क्या सुनता है, दीवानी के मामले, मुंसिफ मजिस्ट्रेट क्या कहलाता है,
जब वो दीवानी के मामले सुनता है तो क्या कहलाता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट। आपने सुना होगा मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब क्या देखते हैं, दीवानी के मामले, सिविल मामले देखते हैं, कर वगैरह हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, चोरी कर रहा है कोई टैक्स वैक्स, तो वो सब कहाँ देखे जाते हैं, दीवानी के मामले। और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो फौजदारी मामले देखते हैं, क्या देखते हैं, फौजदारी। कौन से मामले, न्यायिक मामले, न्यायिक मजिस्ट्रेट फौजदारी, यानी वही झगड़ा मारपीट, वो सब कहाँ देखे जाते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के उसमें, ठीक। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट में, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, मुंसिफ न्यायालय। इसे क्या कहते हैं, मुंसिफ न्यायालय, जो कि तहसील स्तर पर लगभग होता है, परगना स्तर पे होता है। आपके खैरागढ़ में क्या होगा, मुंसिफ न्यायालय, और वहां पर जो है आपको मुंसिफ मजिस्ट्रेट बैठे हुए मिल जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठे हुए मिल जाएंगे, ठीक। तो ये कहलाते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। और सबसे नीचे स्तर पे जो न्यायिक व्यवस्था की गई है वो न्याय पंचायत स्तर पर की गई है, इस स्तर पर न्याय पंचायत में, और इसी को ग्राम कचहरी भी कहते हैं, इसी को पंचायत अदालत भी कहते हैं, अलग अलग नाम राज्यों में अलग अलग। हमारे यहाँ न्याय पंचायत कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ग्राम कचहरी किसी राज्य में कहते हैं, किसी राज्य में पंचायत अदालत कहते होंगे। तो इस तरीके से ये इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, जमीनी स्तर से, रूट स्तर से, जो गांव स्तर से, वहां से न्याय की व्यवस्था शुरुआत होती है, तो उसे न्याय पंचायत कहते हैं। तो ये देश में तमाम होंगे, देश में तमाम होंगे। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था कहलाती है एकीकृत न्याय व्यवस्था। ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब भारत में अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय सिर्फ जो है हाई कोर्ट में 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान में कितने न्यायाधीशों की, नींद लग रही है क्या पवन कुमार, नहीं ये भी सो रहा है। तो भारत में जब मूल संविधान था उसमें कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, 8 न्यायाधीशों की। जब संविधान हमारा अस्तित्व में आया तो कितने न्यायाधीश थे उसमें, 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। ये 1950 तक, 50 से लेकर 56 तक व्यवस्था रही। फिर 1956 में एक संशोधन किया जाता है, भारतीय न्यायाधीश संशोधन अधिनियम लेके आया जाता है, भारतीय न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 1956 में आता है। फिर वहां पर संविधान में संशोधन करके और न्यायाधीशों की व्यवस्था को चेंज कर दिया जाता है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 10 कितने होंगे, अन्य न्यायाधीश। क्योंकि अब भाई जब आज़ाद हुआ था देश, संविधान बना था, तो उसमें इतनी जनसंख्या नहीं थी और ये माना जाता था कि सुप्रीम कोर्ट तक मामले ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जब देखा गया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मामले सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा पहुँचते जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो है काम में जो है रुकावट सी आने लगी, कम न्याय सुनने वाले व्यक्ति होंगे और न्याय और मुकदमे ज़्यादा पहुँचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा न्याय देने में। तो इसलिए ये महसूस किया गया, इसलिए 8 की जगह यहाँ पर 11 कर दिया गया 1956 में, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद में देखा जनसंख्या और बढ़ रही है तो इसमें किस्तों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। फिर 1960 में 14 कर दिया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। फिर 1971 जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो 1971 में एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए। और उसके बाद में 1986 में एक न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। हम लोग जब पढ़ते थे तो यही आंकड़ा पढ़ते थे, 26 न्यायाधीश हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब पढ़ते थे तो यही व्यवस्था थी 1986 वाली, 26 हम लोग पढ़ते थे। तो ये 2009 तक रही, 2009 में चेंज करके कितना किया गया, 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। और 2019 में फिर लगा कि इनकी संख्या और बढ़ानी है तो यहाँ पर 3 संख्या और बढ़ा दी गई, 3 बढ़ाई गई, हाँ 30 की जगह 33 कर दिया गया और एक तो मुख्य न्यायाधीश था ही, तो ये 34 हो गया। ये कितना हो गया, 34, 31 की जगह कितनी हो गई, 34। तो इस तरीके से अब जो है, अब प्रश्न आएगा, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, 34, जिसमें एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस समय न्यायाधीश कितने हैं, 34 हैं, और मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, DY चंद्रचूड़। अब ये जो है इनका कार्यकाल जब खत्म होगा तो ये हट जाएंगे, फिर दूसरा आएगा। तो DY चंद्रचूड़ इसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश। अब इनकी जो है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पदावधि वगैरह, उसमें बताएंगे क्या क्या इनके एजेस होते हैं, कितने वर्ष तक रह सकते हैं, 60-65, ये सब आगे देखेंगे। अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सब आगे अभी चर्चा करेंगे। तो ये DY चंद्रचूड़ जो है मुख्य न्यायाधीश है। अब भारत में जो है क्या न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई दिल्ली में ही कर सकता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है,
तो ऐसा नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में सुनवाई कर सकता है, अपनी अदालत लगा सकता है कहीं भी, और वो कैसे लगाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति अगर उसे मिल जाए कि आगरा में हमको एक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है मतलब सुनवाई करनी है, अदालत लगानी है, तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तो दिल्ली की जगह उस अदालत कहाँ लग सकती है, आगरा में लग सकती है। किसी भी राज्य क्षेत्र में अदालत सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी लगाई जा सकती है। अभी तक दो बार जो है ऐसा हुआ है, एक बार जो है श्रीनगर में सुनवाई हुई है और एक बार हैदराबाद में। तो प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है कि क्या दिल्ली के अलावा प्रश्न ऐसे आते हैं, क्या दिल्ली के अलावा किसी अन्य जगह पे सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकता है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अरे तो आवाज निकालो ना। तो दिल्ली की जगह अन्य जगहों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकता है, लेकिन परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अभी तक कितनी बार और कहां पे इसकी सुनवाई हो चुकी है, तो दो बार, एक बार कहां, श्रीनगर में, और एक बार हैदराबाद। श्रीनगर कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, अब तो जो है जम्मू कश्मीर में है। और हैदराबाद कहां है, आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है, अब कहां पहुंच गया, तेलंगाना में। तो एक बार आंध्र प्रदेश की राजधानी, अब उस समय तो आंध्र प्रदेश ही था, और अब कहां है, तेलंगाना में। तो हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है सुनवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। अब आगे हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो है इनकी जो है कार्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कार्य करता है, इनके जो है जजों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनकी रिटायरमेंट की क्या एज होती है, ठीक है, कैसे भर्ती करते हैं, ये सारी व्यवस्था हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और भारत में जो है इनकी व्यवस्था की गई, अगर सुप्रीम कोर्ट की थोड़ा सा बता देते हैं, तो भाग पाँच में है, किसमें है, भाग पाँच, अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124 में कहा गया है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जैसे ही, जैसे कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, याद है ना, 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही 124 में क्या कहा गया है, भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 125 में उसके गठन की व्यवस्था दी गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गठित किया जाएगा, तो 125 में। तो 124 से लेकर के 147 तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए हम लोग भाग पांच जो पढ़ना शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे, अनुच्छेद 52 से, अनुच्छेद 52 से लेकर के 147 तक पूरा क्या है, भाग पांच है। तो और इसके अलावा 47 तक भी है, 51 तक, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ 151 तक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ, मतलब कंट्रोलर एडिटर जनरल, CAG जिसको कंट्रोल एडिटर जनरल कहते हैं, तो वो इसके बाद आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट हम लोग पूरी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करके, और ये आपको ध्यान रखना 124 से लेकर के 147 तक इसकी